है तो व्हाट्सअप गाइज वेलकम बैक टू अंदर वीडियो ऑफ कोड विध्रू यूट्यूब चैनल और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हमारे न्यूज़ ऐप में करेंगे डेटा की मॉडलिंग और दोस्तों डेटा मॉडलिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा मेथड क्रिएट करना जिसकी मदद से हम इजीली डेटा को एक्सेस कर पाए और पास कर पाए इन बिटवीन द इन बिटवीन द स्क्रीन्स इन बिटवीन द फ्रंट हंड एंड बैक हंड ठीक है तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब आप आगे और कहीं पर कुछ भी और नया सीखेंगे फ्लट में तो उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एकदम सरल भाषा में आसानी से समझेंगे आज के इस वीडियो में तो चलिए बिना समय गंवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि पिछला वीडियो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट था जहां पर हमने बैकएंड का बहुत ही कोर मटेरियल लिखा था जहां पर हमने देखा था कि किस तरीके से अगर अब आप इस पेज व्यू को स्क्रॉल करते हैं तो देखिए यहां पर एक नया आर्टिकल हमें हर बार देखने को मिलता है एक नया आर्टिकल हमें यहाँ पर हर बार देखने को मिल रहा है तो ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में बना ली थी तो अगर आप में से किसी ने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हैं तो चलो यार अब इसका काम करना हम स्टार्ट करते हैं तो देखो डेटा मॉडल का मतलब क्या होता है अगर मैं यहाँ पर जाऊँ इंटरनेट पर और आपको एक डायग्राम की मदद से समझाऊँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा डेटा मॉडलिंग इन फ्लटर ठीक है सो एक एक डायग्राम चाहिए जिससे मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकूँ बाद में एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूँ कि किस तरीके से काम करता है ठीक है तो एक ढंग का डायग्राम अगर मिल जाए तो यहाँ पर बात बन जाए बात बन जाए नहीं यार दोस्तों शायद मुझे आपको खुद से समझाना पड़ेगा देखो ये फिर भी जहाँ तक ठीक लग रहा है डायग्राम बट उतना भी आपको क्लैरिटी नहीं देगा उल्टा आपको रुलझा देगा देखो मैं आपको हम बेस्ट हमारे प्लेटफॉर्म पर चलते हैं पेंट पे जहाँ पर मैं आपको एकदम एकदम अच्छे से बताता हूँ देखो मान लो आपकी एक कंपनी है आपकी एक कंपनी है कंपनी में तीन डिपार्टमेंट है तीन डिपार्टमेंट एक, एक क्या करता है एक रॉ मटेरियल ख़रीदता है मार्केट से ठीक है एक क्या करता है एक उसको जो है वो पैक करने का काम करता है और एक क्या करता है एक उसको बेचता है ठीक है तो जो आपका एंड कस्टमर मान लो इधर है एंड कस्टमर ये आपका एंड कस्टमर है तो एंड कस्टमर किससे कॉन्टेक्ट करेगा भैया जो बेच रहा है उससे बेच रहा है उस डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट करेगा उसको क्या फ़र्क पड़ता है आप रॉ मटेरियल कैसे कर रहे हो आप कैसे उसकी पैकिंग कर रहे हो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको प्रोडक्ट चाहिए प्रोडक्ट उसको यहाँ पर मिलेगा इस वाले में तो वो इससे कॉन्टेक्ट करेगा अच्छा पैकेजिंग वाले को क्या फ़र्क़ पड़ता है पैकेजिंग वाले को दोनों से फ़र्क पड़ता है पैकेजिंग वाले को बेचने वाले से भी फ़र्क़ पड़ता है पैकेजिंग वाले को ख़रीदने वाले से भी फ़र्क़ पड़ता है अच्छा रॉ मटेरियल वाले को क्या फ़र्क पड़ता है रॉ मटेरियल वाले को पैकेजिंग वाले से कोई मतलब नहीं रहता है ठीक है कि सॉरी बेचने वाले से कोई मतलब नहीं रहता है भाई वो कैसे भी बेचे मेरे को तो रॉ मटेरियल लाने का है और आगे देने का है फिर कुछ भी हो मेरे को नहीं मालूम तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका रॉ मटेरियल आता है ठीक है रॉ मटेरियल जाता है पैकेजिंग में अब पैकेजिंग वाले बंदे को दोनों का ध्यान रखना पड़ता है कि किस फॉर्म में मेरा रॉ मटेरियल आ रहा है और किस फॉर्म में मेरे को उसको पैक करके देना है समझ रहे हो ना जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम आइसक्रीम का आइसक्रीम फैक्ट्री मान लो तो आइसक्रीम फैक्ट्री में क्या क्या लगेगा दूध लगेगी शक्कर लगेगा ठीक है कुछ और प्रिजर्वेटि लगेंगे ये सारी चीज़ें लगेगी तो वो रॉ मटेरियल वाले का काम है वो रॉ मटेरियल वाला भाई मार्केट से खरीदेगा कहीं से भी लाएगा किसी भी आउटसोर्स से लाएगा और वो बनाने वाले को दे देगा बनाने और पैकेजिंग करने वाले को और पैकेजिंग वाला उसको बनाएगा देन तो उसको इस फॉर्मेट में पैक करेगा कि भाई वो बिके है। ठीक है अब आप ऐसा तो है नहीं कि आप उसको गिलास में आइसक्रीम बना के दोगे है ना और ऐसा भी नहीं है कि भाई आप उसको ऐसा Uh, मतलब ऐसे थैली में पैक करके दोगे उसके एक बॉक्स बनेगा उसके ऊपर लेबल लगेगा वो लेबल लग के फिर आपके उसके अंदर आइसक्रीम जाएगी सारी चीज़ें होने के बाद में वो पैकेट जो है वो आपके आगे भेज दिए जाएंगे जिसको फिर एंड यूज़र खरीद सकता है आसानी से तो आप इसको रिलेट करो आपके फ्लटर से ठीक है तो देख सकते हो आप हम खाने की चीज़ को हम आइसक्रीम फैक्ट्री को फ्लटर से रिलेट कर रहे हैं तो काफ़ी रिलेटेबल है पर देखो रॉ मटेरियल यहाँ पर क्या है आपका डेटा और आउटसोर्स क्या आपका ए इंटरनेट अब आपने इंटरनेट से कुछ डेटा लिया डेटा आपको जेसन फॉर्मेट में मिला जेसन फॉर्मेट में आपको डेटा मिला अब वो डेटा आपका लाना काम था आप डेटा लिया अब आप वो आपको जेसन फॉर्मेट में वो डेटा पास किसको कर देना है इसको तो ये आपका बैकेंड था ये रॉ मटेरियल आपका किस तरह काम कर रहा है यहाँ पर बैकेंड की तरफ तो स्पेलिंग को थोड़ा सा जो है वो माफ़ कीजिएगा ठीक है काफ़ी सुंदर मेरी राइटिंग है यहाँ पर सो so, वो जो डेटा है दोस्तों वो डेटा थोड़ा सा इसको साइज को बड़ा कर लेता हूँ मैं तो ये जो दोस्तों ये जो डेटा है हमारा ये डेटा आप किधर जाएगा इधर बीच में ये क्या है आपका डेटा मॉडल ये क्या है आपका डेटा मॉडल ये क्या करेगा डेटा की मॉडलिंग करेगा ये बैक एंड से डेटा लेगा और इस फॉर्मेट में उसको पैक करके देगा कि वो फ्रंट एंड में आसानी से शो किया जा सके वो फ्रंट एंड में आसानी से शो किया जा सके और ये फ्रंट एंड आपका और ये फ्रंट एंड वाला उसको आसानी से एक्सेप्ट कर ले और आसानी से प्रिंट करके कर दे दे तो ये होता है आपका डेटा मॉडलिंग अब मैं आप इसको आप हमेशा याद रखेगा कि भाई डेटा मॉडल का इस्तेमाल करता है आप देखिए हम अब जब कोड करेंगे तब भी इसको रिलेट करते चलेगा मैं आपको बताता हूँ कैसे चलो डेटा मॉडल बनाना है हमें हम आते हैं यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं ये काउंटर डॉट टी एक्स टी को डिलीट कर रहा हूँ मैं क्योंकि इसका अब कुछ काम नहीं है ठीक है अब मैं आता हूँ यहाँ पर लिप वाले में एक नया फोल्डर क्रिएट करूँगा और इसका नाम रखूँगा मॉडल और इसके अंदर मैं डेटा मॉडल बनाऊँगा किसका न्यूज़ का तो न्यू फाइल और न्यूज़ आर्टिकल न्यूज़ आर्ट डॉट डाट क्या अपना सबसे पहले क्लास का नाम रखूंगा न्यूज़ आर्ट अब देखो दोस्तों ये तो आपने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया बट अब कोड में क्या करना है आपको देखो कोड में आपको क्या चाहिए भाई आपको ये चाहिए कि बैकएंड में मेरे को एक मेथड दे दो बैकएंड में मेरे को एक मेथड दे दो जिसके अंदर में मेरा रॉ डाटा पास कर दूँ समझ रहे हो जिसके अंदर में मेरा रॉ डेटा पास कर दूँ और बस मेरे को बैकएंड में इतना चाहिए ठीक है बैकएंड वाले को इतना चाहिए फ्रंट एंड वाले को क्या चाहिए फ्रंट एंड वाले को चाहिए कि भाई मेरे को तुम एक ऐसा ऐसा ऑब्जेक्ट बना के दे दो जिसमें मैं जैसे कि मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट है जैसे कि आपका एक्सेस होता है एक्सेस क्या है एक ऑब्जेक्ट ही है जिसमें एक्सेस डॉट लिखूँ तो हॉरिजॉन्टल आ जाए वैल्यू वैसे ही अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट का ऐसा नाम लिखूँ मैं लिखूँ कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट डॉट एंड देन उसके बाद में मैं यहाँ पर लिखूँ टाइटल तो मुझे टाइटल मिल जाए यहाँ पर लिखूँ हेडिंग तो मुझे हेडिंग मिल जाए मैं लिखूँ डिस्क्रिप्शन तो मुझे डिस्क्रिप्शन मिल जाए ऐसा चीज़ आपको फ्रंट एंड में चाहिए तो वह किस तरीके से बनाएंगे हम देखते चलिए तो, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे दोस्तों क्लास में यहाँ पर हम जो जो भी चीज़ें हमें बैकेंड से चाहिए और फ्रंट एंड को पास करनी है वो चीज़ें हम यहाँ पर मैंशन करेंगे तो हमें क्या चाहिए बैकेंड से देखो भैया हमें बैकेंड से सबसे पहले तो इमेज का यू चाहिए करेक्ट देन हमें क्या चाहिए बैक एंड से नहीं देखो फ्रंट एंड की बात हो रही है सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया फ्रंट uh, एंड को हमें क्या क्या देना है उसका हमें यहाँ पर अवेलेबल बनाना है बैक एंड का कोई लॉजिक नहीं अभी यहाँ पर बैक एंड का कोई रोल नहीं हम यहाँ पर जो फ्रंट एंड को जो चाहिए वो वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं देना हमें यहाँ पर न्यूज़ का हेडिंग चाहिए सॉरी ये ऑटो करेक्ट वाट लगाएगा किसी दिन मेरी तो उसको मैं बड़ा कर लेता हूँ चलो ठीक है ना देन उसके बाद में हमें न्यूज़ का डिस्क्रिप्शन चाहिए आपको याद है ना न्यूज़ का डिस्क्रिप्शन मतलब क्या डिस्क्रिप्शन मतलब वो एक लाइन वाला जिसमें एक लाइन में वो उसका पूरा सारांश बता देता है एंड देन न्यूज़ कंटेंट उसका पूरा कंटेंट न्यूज़ सी एन न्यूज टी देन इसके बाद में क्या आ, आपका न्यूज़ का यूआरल चाहिए अब अगर आपने और भी यहाँ पर चीज़ें देखी है लेकिन ऑथर वॉथर आपको करवाना हो तो आप वहाँ पर लिखेंगे करेक्ट अब इसके बाद में न्यूज़ आर्ट का मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ ये मैंने क्या क्रिएट कर दिया इसका कंस्ट्रक्टर है ना कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया अब आप बोलोगे कंस्ट्रक्टर क्यों क्रिएट करा भाई अभी देखो आप आप है ना अभी कोड लिखते चलो लिखते चलो लास्ट में जाकर आपको सारी चीज़ें लिंक होती हुई दिखेगी कि अच्छा इसलिए कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा था अच्छा इसलिए ऐसा लिखा था सब कनेक्ट होगा अभी फिलहाल आप कोड देखते चलो कि अच्छा ये, ये करना है देन हम यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड दिस डॉट इमेज यू ठीक है तो दिस का मतलब क्या कि इसी क्लास का एक भाई डेटा मेम्बर है उसको ही यू आपको चूज करना है दन रिक्वायर्ड यहाँ पर क्या होता है रिक्वायर्ड मतलब कि भई ये चाहिए ही चाहिए जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये चीज़ें चाहिए ही चाहिए न्यूज डिस्क्रिप्शन दिस डॉट दिस डॉट न्यूज बढ़िया चलो अब इसके बाद में एक मैथड क्रिएट कर रहा हूँ दोस्तों में इसके बाद में मैं मैथड क्रिएट कर रहा हूँ इसका नाम रख रहा हूँ फ्राम ए पी आई टू एप ये दोस्तों मेथड क्या करेगी ये ए से जो डेटा आ रहा है उसको एक अच्छे से फॉर्मेट में पैक करके देगी जो हम बात कर रहे थे रॉ मटेरियल वाला तो ये अभी हमारा डेटा क्या यहाँ पर आया है और अब हमको यहाँ से यहाँ पहुँचाना है तो बीच में कुछ ना कुछ प्रोसेस लगेगी तो वो प्रोसेस ही वो फंक्शन ही हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं ठीक है तो ये क्या करेगा हमको ये रिटर्न करेगा क्या करेगा न्यूज़ आर्ट न्यूज़ आर्टिकल का जो ऑब्जेक्ट है वही हमें ये रिटर्न करेगा तो ये मैं यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ ठीक है अब फ्रॉम ए पी आई से हमें यहाँ पर रॉ डेटा लेना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ देखो जैसे कि हम अगर हमारे यहाँ पर जाएँ तो न्यूज़ आर्टिकल हमें चाहिए यहाँ पर तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये किस फॉर्मेट में हमें मिलेगा मैप फॉर्मेट में तो मैप स्ट्रिंग कॉमा डायनमिक फॉर्म में हमें ये डेटा मिलेगा क्योंकि तो आप देखो ना आर्टिकल जो आपका है आपका जो आर्टिकल है वो देखो ये ये स्ट्रिंग है सब स्ट्रिंग है और ये आप बाद में डायनेमिक है, कभी लिंक है कभी डेट आ, आ रही है तो ये अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है इसलिए हम स्ट्रिंग को हमारा डायनेमिक लिखा एंड देन उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर आर्टिकल ठीक है तो एक आर्टिकल आपको पास करना पड़ेगा अब इमेज यूआरएल निकालना है तो इमेज यूआरएल कैसे निकलेगा आर्टिकल में से देखो आर्टिकल आर्टिकल एक निकलेगा आर्टिकल क्या होता है हमारा इतना ये यहाँ से लेकर तो यहाँ तक ये इतना हमारा आर्टिकल होता है अब इस आर्टिकल में से हमें क्या चाहिए दोस्तों इस आर्टिकल में से हमें आई डी वाई डीज को मतलब है नहीं हमें क्या चाहिए यहाँ पर इमेज uh, का यू चाहिए तो ये यू आर एल टू इमेज ये चाहिए तो ये यू आर एल टू इमेज अच्छा अब इसके नल होने पर हमें क्या करना है इसके नल होने पर हमें एक बाई डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर लगाते हैं तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अंस फ्लाश पे जाता हूँ और मान लो कि कभी नल रिटर्न हुआ हमने देखा था पिछले वीडियो में हमें कुछ कुछ वैल्यूज ऐसी मिल रही थी जो नल थी जो कि नल थी तो uh, उस केस में Uh, जो है हमें एक डिफ़ॉल्ट इमेज शो करवाना चाहिए ताकि हमारा ऐप क्रैश ना हो तो यहाँ पर मैं या ये वाली इमेज हमें अच्छी दिख रही है और ये एक सिंपल सा पेपर पढ़ता हुआ एक आदमी है तो या कोई दिक्कत नहीं या फिर मैं एक न्यूज़ हेडलाइन करके कुछ सर्च कर लेता हूँ न्यूज़ हेडलाइन ठीक है ताकि हमें एक न्यूज़ एक जैसा कुछ चाहिए जिसको हम शु... वैसे तो ये वाली इमेज भी काफ़ी अच्छी है नहीं बट uh, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा आर्थ वर्थ टाइप दिखे तो वो अच्छा रहेगा तो न्यूज़ टीवी इमेज ठीक है देखते हैं यहाँ पर कुछ मिलता है ढंग का uh, यार कुछ ढंग का नहीं मिल रहा है चलो कुछ और जगह सर्च करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ इमेज ये चीज़ ये चीज़ मुझे चाहिए थी जो कि मैं सर्च कर रहा था सेम अगर चीज़ मैं यहाँ पर डालू तो ब्रेक uh, है मुझे मालूम है दोस्तों कि मैं फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ बट वेट दोस्तों क्योंकि हमें ऐप अच्छा बनाना है तो हमें एक अच्छी सी चीज़ भी चाहिए अच्छी सी इमेज भी हमें शो करानी चाहिए चलो यहाँ नहीं मिल रहा हम यहीं से उठा लेते हैं फ्री पिक पे से है कोई दिक्कत नहीं है फ्री पिक से भी आप उठा सकते हैं फ्री पिक पे, पे भी कभी इमेजेस आपकी क्रैश नहीं होती तो ओपन इमेज इन न्यू टैप उसको करो आप कॉपी और अगर नल होता है तो बाई डिफ़ॉल्ट को ये वाली वैल्यू शो करानी है अच्छा न्यूज़ कंटेंट तो हम यहाँ पर लिखेंगे आर्टिकल और न्यूज़ कंटेंट हमारा कहाँ पर आ रहा था तो देखो न्यूज़ कंटेंट हमारा टाइटल ऑथर और ये रहा हमारा कंटेंट यह आ रहा था तो आर्टिकल में से हम न्यूज़ कंटेंट को निकाल रहे हैं उसको हम हमारे न्यूज़ कंटेंट के इक्वल असाइन कर रहे हैं सेम इसी तरीके से न्यूज़ डिस्क्रिप्शन तो ये रहा हमारा डिस्क्रिप्शन और ये हम इसको यहाँ पर पास कर देंगे देन न्यूज़ हेडिंग तो न्यूज़ हेडिंग को हम यहाँ पर ये टाइटल के तौर पे यहाँ पर लिखा हुआ है उसको हम यहाँ पर पास कर देंगे तो देखो हम कन्वर्ट कर रहे हैं डेटा हम एक सिंपल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसके अंदर हम कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हैं और कन्वर्ट कर रहे हैं डेटा को देन न्यूज़ यू तो न्यूज़ यू भी हमने देखा था कभी कभी नल होता है कभी कभी नल होता है ये चीज़ भी तो इसके लिए आ, हम जो है वो यहाँ पर एक बार डिफॉल्ट एक, एक, एक यू आर पास कर देते हैं ठीक है तो हम यहाँ गूगल पर जाकर और टॉप या फिर ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ पे हम यहाँ पर जाते हैं सर्च कर देते हैं और ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ का जो सेक्शन है पर्टिकुलरली हमारा हमला नहीं हमारा तो उसको मैं यहाँ पर फेस्ट कर देते हैं तो मैं यहाँ पर गूगल न्यूज़ पे जाकर एक काम करता हूँ गूगल न्यूज़ की बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक जो इसका होम पेज है उसका यू आर एल यहाँ पर डाल देता हूँ वही ठीक रहेगा कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लूँगा और कॉपी करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा ताकि न्यूज़ कुछ भी ना हो तो रीड मोर के क्लिक करने पर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर शो हो टाइटल भी टाइटल तो देखो कभी नल रहता नहीं है डिस्क्रिप्शन भी कभी नल रहता नहीं है इन केस कभी नल हो सकता है तो हम यहाँ पर दो डैश लगा देंगे सिर्फ कंटेंट भी कभी नल हो तो दो डैश लगा दो और टाइटल भी कभी नल हो तो दो डैश लगा दो तो हमने सबकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी लिख दी ताकि कभी भी हमारा ऐप क्रैश ना हो तो फ्रॉम ए से हमने ऐप में डेटा कन्वर्ट करने की मजा ढूंढ ली अब हमने यहाँ पर लिख भी देना है कि भाई ये ये जो है वो हमें क्या रिटर्न करेगा न्यूज़ आठ रिटर्न करेगा ठीक है ताकि फेच करने में आसानी हो चलो बढ़िया अब हम आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर और देन इसके बाद में ये जो हमारी प्रोसेस हो रही है प्रिंट कराने की इसके बाद में हम यहाँ पर फेच न्यूज़ को कॉल करेंगे दैन डॉट सॉरी हमें यहाँ पर न्यूज़ आठ को यहाँ पर करना है एंड देन डॉट और इस न्यूज़ आर्ट के जिस फंक्शन है इसको हम स्टैटिक बनाते हैं ताकि हम इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकें एंड देन उसके बाद में हम यहाँ पर डॉट फ्रॉम ए पी आई टू ऐप एंड देन माई आर्टिकल को हम यहाँ पर पास करा देंगे बढ़िया ये हमारी चीज़ पास हो गई मतलब बैक एंड अब अपना सामान किसी को पास कर रहा है एंड तो उसके बाद में ये सारा काम संभाल रहा है अब इसके बाद में हम आएंगे हमारे न्यूज़ कंटेनर में और यहाँ पर ए सॉरी होम डॉट डॉट में और यहाँ पर हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और ये वेरिएबल ये क्या होगा ये आपका न्यूज़ आर्ट होगा न्यूज़ आर्ट टाइप का होगा तो यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट कर रहा हूँ जिसको मैं लेटली इनिशियलाइज करूंगा मतलब बोल बोल रहा हूँ मैं फैच रखो कि देखो टेंशन लेने वाली बात नहीं है बाद में इसको हम इनिशियलाइज करेंगे और इसको हम यहीं पर इनिशियलाइज कर रहे हैं हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे फैच न्यूज़ तो फैच न्यूज़ जो है वो फैच न्यूज़ जो है वो हमें रिटर्न करेगा क्या देखो क्योंकि हमारा फ्रॉम ए पी आई टू एप में क्या रिटर्न कर रहा है न्यूज़ आर्ट तो हम सेम चीज़ वही यहाँ से भी रिटर्न करा देंगे तो हम यहाँ पर लिख देंगे रिटर्न इसमें से जो भी रिटर्न हो आपको वो इसी आ, जो फंक्शन है उसमें रिटर्न करा देना है तो इस फंक्शन में भी हमें न्यूज़ आर्ट को ही क्या कराना है रिटर्न कराना है तो मैं यहाँ पर न्यूज़ आर्ट लिख देता हूँ और फिर इसको क्योंकि ये फ्यूचर में रिटर्न करेगा तो हमें यहाँ पर इसको फ्यूचर में पैक करना पड़ेगा भाई फ्यूचर में कभी ना कभी तो ये न्यूज़ आर रिटर्न करेगा और फ्यूचर में हमने इसको इस्तेमाल करा है तो हमें यहाँ पर अवेट लगाना पड़ेगा ताकि हम उस फ्यूचर वाला सेक्शन को हटा सकें क्योंकि अगर अभी आप देखोगे तो ये आपको फ्यूचर में न्यूज़ आर रिटर्न करेगा ठीक है बट अगर आपने इसके आगे अवेट लगा दिया और अवेट लगाओगे तो आपको एनिट स्टेट में ए लगाना पड़ेगा ए तो देखो अब आपका फेच न्यूज़ आपको क्या रिटर्न करेगा आप न्यूज फ्यूचर ऑफ न्यूज आर न्यूज़ आर रिटर्न करेगा बट अब ये पूरा सेक्शन आपको आप न्यूज़ आर्ट ही रिटर्न करेगा ठीक है क्योंकि आपने अवेट यहाँ पर का इस्तेमाल कर लिया तो हमने यहाँ पर ए का इस्तेमाल कर लिया वैसे हमें नेट स्टेट में ए का यूज़ नहीं करना चाहिए गलत है ये आपको एरर मिल जाएगा तो हम यहाँ पर गेट न्यूज़ नाम का एक सिंपल सा फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हम ए का इस्तेमाल कर लेंगे एंड देन इसके बाद में हमारा जो ये यहाँ पर इसके अंदर सेट स्टेट का भी हम इस्तेमाल कर लेंगे और सैटिस्टेट का इस्तेमाल अभी नहीं कर सकते तो मैं पर सिंपल लिख दूंगा न्यूज़ आर्ट इज़ इक्वल टू इसके इक्वल आप कर दीजिए तो देखिए न्यूज़ आर्ट में ये आसानी से स्टोर हो गया अगर मैं अवेट नहीं लगाता तो एरर देता बोलता कि भाई फ्यूचर ऑफ न्यूज़ आर्ट को आप न्यूज़ आर्ट में नहीं लगा सकते बट तो जैसे मैं अवेट लगाऊंगा तो ये बोलेगा कि ओके अब आपने अवेट लगा दिया है तो हम मतलब ये रुकेगा यहाँ पर और जब तक न्यूज़ आर्ट इसको नहीं मिलता तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा तो अल्टीमेटली यहाँ पर न्यूज़ आर्ट ही इसमें स्टोर होगा न्यूज़ आर्ट ऑब्जेक्ट ही स्टोर होगा एंड देन यहाँ पर मैं सैड स्टेट को कॉल कर दूंगा ताकि मेरी पूरी स्क्रीन जो है वो रिफ़्रेश हो जाए बढ़िया और यहाँ पर मैं गेट न्यूज़ को कॉल करा दूंगा बढ़िया और ये होने के बाद में इनिट स्टेट में तो गेट न्यूज़ को हमने कॉल करा दिया हम यहाँ पर आइटम काउंट आइटम काउंट हम यहाँ पर फाइव रख देते हैं या फिर जितना भी वन थाउजेंड रख दीजिए आप कि भाई वन थाउजेंड यहाँ पर आनी चाहिए और हर इसके होने पर हम गेट न्यूज़ को कॉल कराएंगे और गेट न्यूज़ जब भी कॉल होगा तब न्यूज़ आर्ट में एक नई वैल्यू जो है वहाँ तो पर स्टोर होगी तो अब देखो आप किस तरीके से आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो देखो जैसे हमारा इमेज यू आर एल है तब तो इस इमेज वल को बैक कर दीजिए और यहाँ पर सिम्पली न्यूज़ आर्ट डॉट इमेज यू देखा जो चीज़ हमने सोची थी वो यहाँ पर हो रही है अच्छा न्यूज़ कंटेंट चाहिए तो इसको बैक कर दो अब न्यूज़ आर्ट डॉट न्यूज़ कंटेंट न्यूज़ हेडिंग चाहिए बढ़िया मिल जाएगी न्यूज़ आर्ट डॉट न्यूज़ हेड अच्छा न्यूज़ डिस्क्रिप्शन चाहिए तो न्यूज़ आठ डॉट न्यूज़ डिस्क्रिप्शन न्यूज़ का यू चाहिए तो ये करा मैंने यहाँ से बैक एंड लिखा सिंपली न्यूज़ आठ डॉट न्यूज़ यू सिंपल कुछ यहाँ पर दिक्कत नहीं अब अगर मैं मेरे आपको कम्प्लीटली यहाँ पर हॉट हाँ रिस्टार्ट करूँ टर्मिनल में जाके मैंने यहाँ पर कम्प्लीटली इसका हॉट हाँ रिस्टर्ट करा तो एक नई इमेज एक नई न्यूज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलनी चाहिए देखते हैं तो यहाँ पर हमें देखो एरर मिला बट एरर मिलने के बाद में यहाँ पर हमें चीज़ें देखने को मिल गई और देखिए काफ़ी जो है वो यहाँ पर बार कॉल हो रहा है चीज़ें और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बार आइड्रेट क्यों हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर शायद वन थाउजेंड आइटम काउंट कॉल कर दिए हैं इसके कारण यहाँ पर वन थाउजेंड न्यूज़ जो है वो यहाँ पर चल रही है तो मैं इसको यहाँ पर रोकता हूँ ताकि ये चीज़ें रुक जाए तो हमें इसको फ़िक्स करना पड़ेगा दोस्तों कि हमें आइटम काउंट फ़िक्स ना करना पड़े कि भाई इतना नहीं स्क्रॉल होता रहे इन्फानेटली ऐसा कुछ सिस्टम हमें यहाँ पर करना पड़ेगा तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रॉब्लम का सिंपल सोल्यूशन था कि आप यहाँ पर पेज यू डॉट बिल्डर में से आइटम काउंट को कम्प्लीटली हटा दें ठीक है तो आइटम काउंट को कम्प्लीटली हटाने के बाद में आप यहाँ पर इसका देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ पर नई नई न्यूज़ देखने को मिल रही है हाँ यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इस तरीके का एरर देखने को मिलता है क्योंकि आ, कोई कोई से जो आर्टिकल्स रहते हैं कोई कोई से जो आपके जो सोर्सेज रहते हैं उसमें आपको कुछ भी डेटा नहीं मिलता तो ये देखो ये प्रॉब्लम रहती है बट और ये प्रॉब्लम एक बार आती है तो अटक जाती है बट आप देखोगे तो हमें यहाँ पर नई नई न्यूज़ जो है वो देखने को तो मिल रही है पेज व्यू पे शिफ्ट करने पर बट हम क्या करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर कि uh, हमको यहाँ पर नेक्स्ट पेज व्यू डॉट बिल्डर की जो भी इंफॉर्मेशन है मतलब हमें यहाँ पर दो न्यूज़ को यहाँ पर स्टोर करा कर रखना पड़ेगा ठीक है एक तो इसी पेज की न्यूज़ ठीक है और देन एक इसके अगले पेज की न्यूज़ तो आप जैसी नेक्स्ट पेज पे जाओ तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा इसके अगले जो दो पेज की न्यूज़ है वो इस इस पेज में फैच हो जाए अगर कुछ एरर है तो वहीं का वहीं हो जाए ठीक हो जाए और दो अगले पेज के न्यूज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्टोर हो जाए ताकि हमें इस तरीके के एरर्स को देखने का मतलब इस तरीके के एरर्स ना देखना पड़े बट फिर भी अगर हम यहाँ पर देखें तो ये देखिए अधिकतर टाइम मतलब दस में से आप देखें तो चार बार हमें एरर मिलता है बाकी टाइम हमें यहाँ पर नई नई इमेजेस देखने को मिल रही है और ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर प्लस सेवन एट्टी फोर कैरेक्टर्स बता रहा है तो मतलब इसका बहुत बड़ा कंटेंट है जो कि आ, आ, साथ में हम यहाँ पर प्रिंट नहीं करा सके तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा सेट करना पड़ेगा एक छोटा सा ये इसमें बहुत बड़ा कंटेंट हमें प्रिंट करके दिया तो हमें इसको एक छोटा सा करना पड़ेगा कि भाई छोटे से मैं आप प्रिंट करके कर दे और आप चाहें तो अगर आपको न्यूज़ इरेलीवेंट लग रही है कि भाई मुझे इस न्यूज़ से क्या मतलब मैं इस न्यूज़ को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता तो आप अपने सोसेस को कम कर दीजिए और आप जितने सोर्सेज लिमिटेड उतने ही आपको रिलेवेंट जो वो न्यूज देखने को मिलेगी ठीक है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बार बार हमें यहाँ पर एक ही एरर देखने को मिल रहा है और अगर मैं इसको हॉट री स्टार्ट करूं तो हमें यहाँ पर न्यू कंटेंट देखने को तो मिलेगा क्योंकि यहां पर अटक जाता है एंड उसके बाद में हमारा पेज जो है वो रिफ्रेश नहीं हो पाता ठीक है जब आप देख सकते हैं कि वापस यहाँ पर अटक गया है और ये शायद किसी सोर्सेस की वजह से हो रहा होगा तो हमें इस एरर को सॉल्व करना पड़ेगा साथ ही में जो मैंने आपको आइडियोलॉजी दी उसे भी हमें इंप्लीमेंट करना होगा बट अभी तो आप देखें तो काफ़ी टाइम हमें यहाँ पर एरर देखने को मिल रहा है और ये जो एरर जो आ रहा है वो कुछ इस लाइन में आ रहा है कि बोल रहा है कि भाई आर्टिकल्स आपको यहाँ पर देखने बॉडी में से आर्टिकल्स बॉडी डेटा में से आर्टिकल्स नहीं, नहीं निकल रहे हैं बॉडी डेटा में से आर्टिकल्स नहीं निकल रहे हैं तो इसको आप थोड़ा सा ठीक कीजिए वैसे तो यहाँ पर आर्टिकल्स आने चाहिए और आ भी रहे हैं आप दिन अब आपने देखा बट आप कहीं कहीं जगह पर नहीं आ रहे तो हमें वो उसे देखना पड़ेगा ठीक है थीक? तो फिलहाल के इस वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में तो हमने थोड़ा सा बैकएंड को इंप्लीमेंट करा डेटा मॉडलिंग के बारे में समझा नेक्स्ट वाले वीडियो में हम जो है एरर रिजोल्व हो रहा है डेटा मॉडलिंग से नहीं है दोस्तों ये जो डेटा ये जो एरर है वो आपके बैक में से आ रहा है तो इस बैकेंड के एरर को हमको सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है और थोड़ा बैक को इम्प्रूव भी करना पड़ेगा तो यार अगर आपको आज के इस वीडियो से डेटा मॉडलिंग के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल गया हो दोस्तों तो इस वीडियो का आप लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कर सकते हैं और अगर मैं आपको एक राय दूंगा कि आप डेटा मॉडलिंग खुद से एक बार ट्राई करें और ख़ुद से ट्राई करने के बाद में यहाँ पर एक बार लिख के देखें और ख़ुद से एक बार पूरा डेटा मॉडल करें ताकि आपको समझ पड़े कि अच्छा भाई यहाँ पर करना क्या था ठीक है करना क्या है करेक्ट तो यार फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही और मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में